21 तारीख को रिलीज होती है केसरी। हम सब जानते हैं दोस्तों, केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 5 दिनों के अंदर अंदर 86 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 86 करोड़ इतना कम कैसे? केसरी से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, केसरी तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाली थी। मिस्टर तरण आदर्श ने यह भी कहा था दोस्तों कि फिल्म जो है अपने वीकेंड तक आते आते 100 करोड़ कमा लेगी। तो फिर ये केसरी कम क्यों हुई? आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, केसरी के कम होने की सबसे बड़ी वजह है आईपीएल के मैचेस। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल जिस तरीके से धड़ल्ले से शुरू हुआ और पहला ही मैच जो था वो धोनी और हमारे विराट कोहली की टीमों के बीच में था, तो ऐसे में दोस्तों दर्शकों की तरफ से आईपीएल को मिल रहा है ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से केसरी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफर कर रही है। जो आईपीएल के मैचेस शुरू होते हैं वो शाम से शुरू होते हैं 4:30 बजे से और वो रात तक चलते हैं, तो ऐसे में इतना जो ड्यूरेशन का जो मूवी का टाइमिंग होता है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों, वो यही आई हैं कि केसरी को सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो आईपीएल के चक्कर में हुआ है, वरना अभी तक केसरी 100 करोड़ से ऊपर कमा लेती। मैं तो यही चाहूंगा दोस्तों, ये बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड मूवी है, 21 शहीदों की फिल्म है, आप लोग इस फिल्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करें और इस फिल्म को आगे बढ़ाएं।